लॉकडाउन के पहले दिन रविवार को अररिया फारविसगंज में मिला जुला कर देखिए असर। जिले के अररिया शहर एवं फारविसगंज में सभी दुकानें बंद रहे। अररिया शहर के एडीवी चौक, बस स्टैंड, चांदनी चौक सहित कई दवाई, किराने आदि की दुकानें खुली रही। लोग पहले से काफी कम दिख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं गालिब। एनएसटीवी की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या है लॉकडाउन का असर सीमांचल के अररिया क्षेत्र में? अगर बात करें फारविसगंज में, कुछ जगह लोगों की जानकारी नहीं होने के कारण सब्जी मार्केट 9 बजे के बाद भी खुली रही, जिसे बीडीओ अमित आनंद और पुलिस प्रशासन द्वारा माइकिंग करने के साथ बलपूर्वक सभी दुकानों को बंद कराया गया। वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य बाजार में लोगों की आवाजाही होती रही। यह अलग बात है कि लॉकडाउन में छूट के बाद बाजार में लगने वाली भीड़ पहले से कम थी, पहले की जैसी नहीं थी। बाजार में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति थी, केवल वही दुकानें खुल रही हैं। वहीं फारविसगंज शहर के विभिन्न जगहों में मुख्य रूप से सदर रोड, पटेल चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, फुलवरिया हाट में निजी प्रतिष्ठान में गैर जरूरी सामानों की दुकानें बंद रही, तो दूसरी ओर हॉस्पिटल रोड में कुछ जगहों पर पार्ट्स की दुकानें खुली दिखाई दिया। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे लॉकडाउन है ही नहीं, जबकि डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने दो दिन पहले ही लॉकडाउन लगाने का फैसला किया और आदेश भी दिया था। क्या है हमारे नामा निगार की जानकारी गालिब के साथ? अररिया का पहला लॉकडाउन है, कितना कामयाब दिख रहा है? पब्लिक का समर्थन अररिया के जो हमारे जिला पदाधिकारी साहब ने जो आदेश दिया, अररिया लॉकडाउन लेगा, पालन करवा रहे हैं और पब्लिक कर भी रहे हैं। पब्लिक भी कर रहे हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है सर, लॉकडाउन का पालन हो रहा है यहाँ? हाँ, सब ठीक चल रहा है। लॉकडाउन लोग सब पालन करते हुए चल रहे हैं, मास्क पहन के चल रहे हैं सर। जिसको नहीं चला उसको फाइन लगाया जा रहा है। कितना फाइन कर रहे हैं सर, जो मास्क लगा के नहीं? 50 का फाइन है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल एनएस रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त आरजी धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने वो भी आपकी पसंद के ओनली ऑन एनएस रेडियो।